हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टिक द करेक्ट। जो हमारा चैप्टर था अनवांटेड गेस्ट, उसके हम करेंगे आज टिक द करेक्ट। हमने चैप्टर रीड कर लिया था, मैंने आपको होमवर्क में वर्ड मीनिंग दिए थे, आप सबने वर्ड मीनिंग कर लिए होंगे, तो आप करेंगे टिक द करेक्ट। क्लोवी सेड इट वॉज ऑकवर्ड फॉर जेनी एंड डोरा टू बी देयर गेस्ट टूगेदर बिकॉज देयर हाउस वॉज नॉट लार्ज एनफ। The two women were bitter enemies. Their food habits were totally different. दोनों क्या थी? दुश्मन थी एक दूसरे की। दोनों औरतें क्या थी? दुश्मन थी। Clovis said the difficulty will be to get them to stop speaking. He meant, इसका मतलब क्या था? The two women would quarrel non-stop. Both the women had a habit of speaking continuously. दोनों की habit थी continuously बोलने की। दे वुड एक्साइटली शेयर न्यूज़ विद ईच अदर, एक दूसरे से न्यूज़ शेयर करती थी। द टू वुमेन वुड क्वारल नॉन स्टॉप, वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई थी। द स्टेटमेंट एज वेल एज फार एज बटलर्स गो इंडिकेट दैट स्टर्ज वॉज, जो ज्वेलर उसने कहा था उसे, तो उसका मतलब क्या है? एन एक्सपेंसिव बटलर, बहुत एक्सपेंसिव था वो, उसने कहा था ना वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। Was fond of jewelry, a very well-trained butler. तो आप इसमें लगाएंगे, ठीक है? Fourth जरा देखिए, the statement what a woman expressed Clovis, what a woman उसने कहा था, तो उसे क्या वो express कर रहा था? वो annoyance, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वो उससे। Okay? तो जो questions हम लोग next video में करेंगे, अभी हम ये exercise करेंगे, okay? Complete the following sentence using the extreme form of adjective that is used in the questions. One has been done for you. हमें इसका सेम मीनिंग देखना है, सेम। जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे? यस आई हैड अ फैंटेस्टिक हॉलीडे। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। ओके देखिए, आर यू स्केयर्ड ऑफ बींग अलोन? यस वी आर अफ्रेड। आर यू हंग्री? फ्रेंकली वी आर हॉलो। यू डोंट हैव मच मनी विथ यू डू यू? No, we don't. In fact, we are needed. हमें को ज़रूरत है। Were you surprised to see the show put up by Georges? Of course, we have never seen anything like it. Was shock. इस चीज़ हमने देखी थी, हमारे लिए क्या था? वो शॉक था। Next, do you think the old lady was unkind to you? वो निर्दयी आपके लिए? We feel that she was unpleasant. Okay? तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज भी अपने कॉपी में करनी है, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।